हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड प्रशांत चौधरी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ना फ्रेंड्स, दिस अमेजिंग वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यार लॉकडाउन के टाइम पे आप सब लोग सोच रहे हैं कि यार कैसे हम पैसा कमाएं ऑनलाइन घर बैठे, पैसे कैसे कमाएं। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी चाहते हैं कि मतलब यार ऑनलाइन में बैंक में डायरेक्ट पैसे आए? और यार बहुत अमेजिंग, मुझे बहुत मज़ा आता है इन चीज़ों में कि जब ऑनलाइन डायरेक्ट से अगर बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं, जो मैसेज ट्रिंग सब बोलता है और उसके बाद हम स्क्रॉल करके देखते हैं तो ट्रू कॉलर वाला, वो जो ग्रीन वाला होता है, वो लिखा हुआ होता है वहाँ पे कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपये आए हैं, 5,000 रुपये आए हैं, 300, 400, 800, जैसे ग्रीन वाला होता है, तो उसको देख के यार दिल करता कि मज़ा आ गया, ठीक है। और ये जो पेमेंट आता है, कुछ वर्क करके हम ऑनलाइन वर्क करके हम अच्छा रिटर्न जो कमा लेते हैं उस, वो देख कर तो सच में मज़ा आ जाता है। तो क्या फ्रेंड्स, आप भी चाहते हैं कि आपके अकाउंट में भी ऐसे ही एक नोटिफिकेशन आए जिसमें नोटिफिकेशन में आ रखो, मैसेज आ रखो कि आपके अकाउंट में 5,000-10,000 रुपये आ गए हो और आपने छोटा सा वर्क किया हो, यार बस छोटा मोटा वर्क किया हो तब भी आ गए हो। तो फ्रेंड्स, आज मैं उसी के लिए बात करने वाला हूँ एक बहुत ही शानदार टॉपिक के ऊपर। जो टॉपिक मैं बताऊँगा उसका नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। फ्रेंड्स, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में मैंने एक और वीडियो बना रखी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके अंदर टिप्स और ट्रिक्स नहीं बता पाया, सिर्फ मैंने बेसिक बताया कि एफिलिएट मार्केटिंग आखिरकार होती क्या है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में जो बताऊंगा वो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग चीज़ बताऊंगा। अगर आपके दिल में भी जनून है ना कि मैं पैसे कमा सकता हूँ ऑनलाइन, तो फ्रेंड्स आप पैसे कमा सकते हैं, कोई भी कमा सकता है यार, बस मन में होनी चाहिए, ठीक है। तो है, तो आज मैं आपको ऐसे ही टॉपिक बताने वाला हूँ एफिलिएट मार्केटिंग का। देखिए फ्रेंड्स, एफिलिएट मार्केटिंग आखिरकार होती क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग वो होती है, जैसे कि आप, मैं एग्जांपल लेता हूँ, दिल्ली गए होगे आप, ठीक है, दिल्ली में आप नेहरू मार्केट में गए होगे, वहाँ पे आप जैसे लैपटॉप रिपेयर करवाने जाते हैं, तो वहाँ बाहर लैपटॉप में मोबाइल कुछ भी रिपेयर करवाने जाते हैं तो बाहर लोग आते हैं, कहते भाई साहब आपको पता नहीं है यार कहाँ पे जाना है मुझे, ठीक है, आपको पता है बस यहाँ पे ठीक होता है, मुझे शॉप नहीं पता। तो वहाँ पे लोग आते हैं, खुद आपसे कहते हैं कि भाई साहब हम ठीक करवा देंगे, भाई साहब हम ठीक करवा देंगे, इस टाइप से डिस्काउंट नहीं मिल जाएगा आपको, ये सब ऐसे करके जो करते हैं, ऐसे करते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो एक एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने आपसे कहा ठीक है हम करवा देंगे, लेकिन वो ठीक नहीं करेंगे, वो आपको शॉप बता देंगे, यहाँ पे चले जाइए, ये सेकंड फ्लोर पे 103 नंबर शॉप पे चले जाइए, इस टाइप से बता देंगे आपको, ठीक है, बस आपको इतना ही बताएंगे कि ये वाली शॉप पे चला जाइए। उस चीज़ की उनको कमीशन मिलती है। कौन देता है कमीशन? शॉप वाला देता है। शॉप वाले से उनका सिस्टम होता है, वो कहते हैं कि भाई एक सेल लेके आऊँगा, मतलब एक बंदा लेके आऊँगा तेरे लिए, उसको तू कन्वर्ट कितने ही ले दियो, मुझे मतलब नहीं है यार उससे, ठीक है, तू कितने ही ले बट मुझे 300 रुपये दे दियो। तो वो होता है ठीक है यार तू बंदा तो लेके आ, मुझे 300 रुपये दे दूँगा, ठीक है। तो वो बंदा क्या करता है, आपको पहुँचा देगा उस दुकान पे, वो दुकान वाला आपका जैसे मान लो 1,000 रुपये का खर्चा आया, वो कह देगा डायरेक्ट 1,300 रुपये आया, ठीक है, 1,300 रुपये आया, वो 300 रुपये उसको दे देगा, उसकी तो आमदनी पक्की रही ना, उसकी जेब से कुछ एक्स्ट्रा गया और उसको एक्स्ट्रा मिल गया, मतलब कमीशन वाले को, और लेकिन आपकी जेब से यार एक्स्ट्रा चला गया। इसलिए ऑफलाइन जो एफिलिएट मार्केटिंग होती है, ये जिसको कहते हैं हम ऑफलाइन एफिलिएट मार्केटिंग, तो ये ऑफलाइन एफिलिएट मार्केटिंग यार ज़्यादा दिन नहीं चल पा रही, क्योंकि यार लोग ऐसे फ्रॉड से हो रहे हैं, मतलब हमें हमारे पैसे जा रहे हैं यार जेब से, तो क्यों करें हम? तो अब लोग बात फिर क्या कहने लगे, जैसे कि मैं ही गया हूँ एक बार, तो एक बार तो मुझसे भी ऐसे कहा कि आओ हम शॉप दिखाए, तो मैंने सोचा यार सही यार बंदा बढ़िया है, हेल्प कर रहा है मेरी, ठीक है, तो मैं चला गया, तो मुझे ऐसा खुद से फील हुआ यार मेरे ज़्यादा पैसे ले लिए उसने, ठीक है। लेकिन जब मैं नेक्स्ट टाइम गया, मैंने कहा उससे कि भाई मैं नहीं, उसने मुझसे कहा कि मतलब कोई और बंदा आया मेरे पास, उसने बोला कि सर आपको मैं पहुँचा देता हूँ शॉप के पास, बहुत ईजिली यहाँ पे है, बहुत अच्छी शॉप है, इस टाइप से। मैंने कहा नहीं भाई नहीं चाहिए, सॉरी, मुझे पता है कहाँ पे जाना है मुझे, ठीक है, मुझे जाना ही नहीं है वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, इसलिए ये जो ऑफलाइन एफिलिएट मार्केटिंग है वो ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं हो पाई ना चल पा रही है, इसलिए अब आ गया है सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम। एफिलिएट मार्केटिंग में ऑनलाइन भी होने लगी है, क्योंकि पहले तो ये वाला ऑफलाइन मोड यूज़ था, मतलब कि शॉप वाले से कह दिया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे कमीशन दे दियो, तो मुझे मैं बंदा लेके आऊँगा तेरी दुकान पे, तो मुझे कमीशन दे दियो, बस सिंपल सा बात है, काम खत्म। अब इसी चीज़ को ऑनलाइन आ गया है। ऑनलाइन में क्या सिस्टम है, आपकी सबसे पहली बात तो कस्टमर की जेब से 1 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं जाने वाला, जो प्रोडक्ट का प्राइस है उतना ही प्राइस रहेगा, कंपनी को कमीशन देनी है उसमें से ही कमीशन देनी पड़ेगी कंपनी को। एफिलिएट मार्केटिंग का ये मॉड्यूल्स होता है, ठीक है, ये ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग होती है, जो डायरेक्ट मतलब कि कंपनी डायरेक्ट आपको पैसे दे देगी, लेकिन कस्टमर की जेब से 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं जाएगा, जितना प्रोडक्ट का प्राइस है छपा हुआ है
उतना ही लिया जाएगा, उसके अलावा एक रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। चाहे आप एफिलिएट की लिंक के द्वारा लो, चाहे वो आप जैसे चाहे वैसे ले लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन और ऑफलाइन में सिर्फ इतना अंतर होता है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। ऑनलाइन जो होती है आप डिजिटली आप फ़ोन से करते हैं डायरेक्ट, किसी के पास नहीं जाना पड़ता, किसी की लिंक से आप लोगे उतने का ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा जितना आप कहीं और से लेंगे, ठीक है। बट ये होता है कि जो जिसकी लिंक से लेंगे उसको थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाता है, कमीशन मिल जाती है, अदरवाइज और कुछ प्रॉफिट नहीं होता। आपके पास तक कुछ लॉस नहीं होता है, ठीक है। आप उसके लिंक से लोगे तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप एफिलिएट मार्केटर बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। एफिलिएट मार्केटर बनना बहुत ईजी है, कोई भी एफिलिएट मार्केटर साइट से बन सकते हैं आप। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और बहुत सारी साइट चल रही हैं, बहुत सारी, जो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो जाएगी यार, आप भी देखना पसंद नहीं करोगे, बोर हो जाओगे। तो फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा कैसे कैसे आप एफिलिएट मार्केटर बन सकते हैं और कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। आज आपको समझ तो आ गया होगा कि ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग और ऑफलाइन एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, लव यू।